नीतीश कुमार जी का शराब बंद को सरकार को कई हम लोग झगड़ा लड़ाई करने नहीं आए हैं, मांग रहे हैं, झोली फैला के हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तारी का धंधारी का गाछ है, तारी के धंधा हमको खोल देने के लिए तारी पर से पैबादी हटा दीजिए, दारू बंद कर दीजिए। हम लोग कहां जाएंगे? फोर फर तारी वाला के कर देता है, दारू वाला लोग सारे बंद कर दीजिए। शराब पत्र हम बंद कर देने के लिए, तारी तो पेड़ का रस है भैया, दारू बंद कर दीजिए। तारी बेच के चार बजे भोर में कहते हैं उतारने के लिए, जाएगा मर जाएगा, बिच्छू काटेगा तो क्या हम लोग के देगा सरकार? रोड पर पिचाता है तो 4 लाख रुपया देता है, हमको फांसी देता है, 10 लाख रुपया देगा नीतीश का जो बिजनेस चालू कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार से, इस ये चाहते हैं जो बच्चा को मेरा पढ़ाना सिखाना है। नीतीश कुमार के सभा में महिलाओं ने जमकर किया बवाल। दरअसल कुढ़नी उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार जनसभा कर रहे थे, उस मंच पर तमाम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी थी। एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है जो नाराज थी, नाराजगी इस बात को लेकर थी कि शराबबंदी तो ठीक है लेकिन ताड़ी बंद किस हैसियत से किया गया है, रोजगार छीने गए हैं। इन तमाम मसलों को लेकर पासी समाज के जो लोग हैं, महिला हैं, वो नीतीश कुमार के सामने जाकर अपनी मांग कर रही थी कि अपने हक की लड़ाई कर रहे कि ताड़ी को फिर से खोल दी जाए, क्योंकि एक बड़ा तबका ताड़ी के रोजगार में इन्वॉल्व है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने को लेकर जो है वो दिन रात सोच रहे हैं लेकिन शराबबंदी हो रही है। दूसरी तरफ शराब की बोतल लेकर भी कुछ लोग पहुंच गए हैं कि पूछ रहे हैं कि अगर शराबबंदी है तो ये बोतल कहां से आया है। महिलाओं ने खूब हंगामा किया और साफ तौर पर उनका मानना था कि किसी भी हाल में ताड़ी बंदी जो है उसे खत्म कर देनी चाहिए। शराब बंद किया हम लोग उसका स्वागत करते हैं लेकिन ताड़ी बंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका शराब को छोड़कर ताड़ी के पैसे में लगा है, उसे बेचकर अपनी जीवन यापन करता है, दो वक्त की रोटी जो है वो किसी प्रकार से वो उपाय करता है ताड़ी उतार कर, ताड़ी बेचकर, लेकिन ताड़ी बंदी से सभी लोगों को नुकसान है। ऐसे में आपने देखा था कि पटना की सड़कों पर किस प्रकार से ताड़ी पासी समाज के जो लोग थे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी थी। हालांकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया, उसी दिन कैबिनेट में मुहर भी लग गई कि जो लोग शराब के कारोबार करते हैं वो अगर शराब बेचना छोड़ दे, जो लोग ताड़ी के कारोबार करते हैं अगर वो ताड़ी बेचना छोड़ दे तो सरकार उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। मदद इसलिए ताकि आप कोई दूसरा रोजगार जो है वो कर सकते हैं, यानी कि सरकार भी आपके बारे में सोच रही है। और देखिए नीतीश कुमार के कुढ़नी के जनसभा में तमाम जो महिलाएं थी वो पूरी तरह से भड़क गई और शराब की बोतल लेकर कई लोग पहुंचे थे और पूछ रहे थे कि अगर शराब बंद है बिहार में तो फिर ये शराब की बोतल कहां से आई है। नीतीश कुमार जी का शराब बंद सरकार को कई हम लोग झगड़ा लड़ाई करने नहीं आए हैं, मांग रहे हैं, झोली फैला के हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तारी का धंधारी का गाछ है, तारी के धंधा हमको खोल देने के लिए तारी पर से पैबादी हटा दीजिए, दारू बंद कर दीजिए। हम लोग कहां जाएंगे? फोर फर तारी वाला के कर देता है, दारू वाला लोग सारे बंद कर दीजिए, शराब पत्र हम बंद कर देने के लिए, तारी तो पेड़ का रस है भैया, दारू बंद कर दीजिए। 4 बजे भोर में कहते हैं उतारने के लिए, जाएगा मर जाएगा, बिच्छू काटेगा तो क्या हम लोग के देगा सरकार? रोड पर पिचाता है तो 4 लाख रुपया देता है, हमको फांसी देता है, 10 लाख रुपया देगा नीतीश का जो बिजनेस चालू कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार से, इस ये चाहते हैं जो बच्चा को मेरा पढ़ाना सिखाना है। दारू बंद हो गया, बंद नहीं हुआ।